देखना है कोई किस तरह बुझाता है मेरे चराहों को। लड़ना हवा से आता है ये देखना है। सितारों को मात कर दूंगा मैं, इस जमी के सरों को चांद कर दूंगा, ये देखना है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, रहती दुनिया तक नाम बाकी रहे तुम्हारा। फरीद, बड़ों का अदब बहुत जरूरी होता है। आजकल अपने अब्बू जान से तुम जिस तरह से बात करने लगे हो ना, ये मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब क्यों नहीं है? और जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, क्या वो मुनासिब है? वो मुझसे बात ही कहाँ करते हैं, तो क्या ये मुनासिब है? आए हाय, कोई जरा देखे तो सही कि बेटे को बाप के खिलाफ कैसे भड़काया जा रहा है। अम्मा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जब कुछ कहे तब हो, जब बिना कहे ही सब कुछ हो सकता है तो कहने की क्या जरूरत है? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा कत्ल जरूर कर दूं। मेरे प्यारे अब्बा जान, तुम्हारे कहने ही पर तो चलते हैं। फरीद, तुम ही हो जहर की पुड़िया। इस तरह मेरी बेइज्जती होगी? कल के लड़के मुझे जहर की पुड़िया कहेंगे, मुझे मार डालने की धमकी देंगे। आए आए आए, मैं खड़े कैसे गिरूं और मर जाऊं? ये कल के छोकरे मुझे गालियां देंगे, मुझे मार डालने की धमकियां देंगे। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या हंगामा है सवेरे सवेरे? जब आपकी बड़ी औलाद मुझे कत्ल कर देगी तब आपको चैन आएगा। है कौन? फरीद, क्या आपने अपनी पहली बीवी की औलाद से मुझे जलील कराने के लिए मुझसे शादी की थी? अरे आप मुझे कनीजी रहने देते। भाई छोड़ो, जाने दो, रोते नहीं जाना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अरे वो कहाँ ठीक होने वाला है? उसकी माँ रोज उसको आपके खिलाफ भड़का रही है। वो भला क्यों भड़काएगी मेरे खिलाफ? जागीर के लिए। वो चारों बीवियों के बच्चों में सबसे बड़ा है ना। खैर, मेरे दोनों लड़कों से तो बहुत बड़ा है। उसको ये सिखाया जा रहा है कि हक तो उसका ही बनता है, बस जवान होते ही अपना हक वापस ले ले। वही मैं जिंदा बैठा रहूंगा और वो आपको जिंदा बैठने देंगे तब ना? तो उसकी ये हिम्मत, ये तैयारी। किधर है वो फरीद का बच्चा? आप क्या सोचती हैं? मेरे मरने की दुआएं करने से मैं मर जाऊंगा? हाँ मेरे सरताज जी, नहीं, मैं तो आपके बेटे की राह का कांटा हूं। याद रहे,
मैं अपनी जागीर छोड़कर नहीं मरूंगा, कुत्तों को दे जाऊंगा, लेकिन खुदा रसूल का नाम ले। अरे चलिए भी, क्यों अपनी जुबान गंदी करते हैं, चलिए मुंह धोइए और नाश्ता कीजिए। ये सुबह सुबह किससे बात करने लगे, चलिए ना। फरीद इधर आओ, तुम्हें मेरी जान की कसम, कलेजे से लग जा मेरे लाल, गम के शोले थम जाएंगे। बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, वो तुम्हारे बाप हैं, अल्लाह के यहाँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ी जगह होती है। और मेरी माँ की, उसकी कोई जगह नहीं? ये बड़ी का बेटा फरीद, माशाल्लाह क्या तेज है। अरे तभी तो वो हमारे मियाँ, हमारे सरताज की दुलारी चौथी बेगम उससे इतना जलती है, उसका बस चले तो जिंदा निकल जाए। हाँ भाई, उनकी कमान चढ़ी है, वो जो चाहे करे। अये हाय, ये कमान उतरा भी तो करती है, जैसे हमारी और तुम्हारी उतर गई, ना जाने इस चौथी की कब उतरेंगी। जब पांचवी आएगी। तौबा तौबा, चार की इजाजत है और चार आ चुकी हैं। चार इजाजत के और पांचवी बिला इजाजत। तुम भी बस, अरे किसी मौलवी ने सुन लिया तो कुफ्र ही कहेगा। अरे बीवी की बातें, अरे मौलवी से क्यों पूछे, दिल के मसले में मौलवी का क्या काम। ये दौलत हजारों ऐप पैदा भी करती है और हजारों ऐप ठक भी देती है। मिस्र में एक दौलतमंद इंसान के दो लड़के थे, उसमें से एक ने इल्म सीखा, दूसरे ने दौलत जमा की। एक अपने वक्त का बहुत काबिल इंसान बना, दूसरा मिस्र का बादशाह। अमीर भाई अपने गरीब भाई से नफरत किया करता था और अक्सर कहा करता था, देखो मैं बादशाह बन गया और तुम वही गरीब और कंगाल। इल्म की दौलत से मालामाल भाई जवाब देता, ए भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है, मुझे पैगंबरी की मिरास अक्ल मिली और तुमने फिरौन का हिस्सा मिस्र की सल्तनत पाई। मैं तो एक चींटी हूं जो पैरों तले दब सकती है, वो जंगली जानवर नहीं जिससे लोग डरते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास लोगों पर जुल्म करने का कोई जरिया नहीं है। बाबा ये जुल्म क्या है? वो खराब चीज जिसका शिकार ज्यादातर पाक साफ इंसान होते हैं, यहाँ तक कि इसने पैगंबरों को भी नहीं बख्शा। जुल्म उस दिल में पैदा होता है जिस दिल में खौफ खुदा नहीं होता। बैठ जाओ और गौर से सुनो किस तरह मासूम लोग दुनिया में जुल्म का शिकार हुए हैं। क्या नाम बताया था तुमने अपना? फरीद खान। कहीं कट गए फरीद, तुम्हारी जिंदगी की पतंग तन्ने से काटेगा। हे हे, कौन काट रहा है जिंदगी की पतंग? वही आपकी बड़ी बेगम की बड़ी औलाद, मियां फरीद खान साहब। अरे छोड़ो भी, अभी उसकी रेखे तक तो आई नहीं बहन, वो क्या जिंदगी की पतंग काटेगा। अरे मंजली, वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है, उसके पेट में दाढ़ी है, जब सबके गले कट जाएंगे तब कहना, हाँ
छोटी सही कह रही थी। इस मुए फरीद की आंखों की चमक देखी है तुमने? हाँ बहन, लगता है कहीं अंधेरा नहीं रहने देगा। उड़ती चिड़िया के पर गिने हैं, बस चुप रहो तुम। ए, कोई खास बात हुई क्या? कभी अपने बारे में या अपनी औलादों के बारे में सोचा है कि कल हम सब का क्या होगा? तुम्हारे दोनों बेटे अली और यूसुफ का क्या होगा? तुम्हारे खुर्रम और सखी खां का क्या होगा? और बड़ी बेगम तहमीना सुल्तान, उनका क्या होगा? ये ना भूलो कि इस घर में वही ब्याह कर आई थी। हम तीनों तो कनीजें थी, बाद में बेगम बनी है। पर जैसे हालात हैं, उसमें तो बड़ी बीवी तहमीना सुल्तान का बड़ा बेटा फरीद खां ही इस जागीर का वारिस है। लो बहन, मियाँ सबसे ज्यादा चाहे तुम्हें और वारिस होगा बड़ी बीवी का बेटा। और तुम्हारे पिया प्यारे देखते रह जाएंगे। जब वो जिंदा रहेंगे तब ना। मायन्ना, उनकी जान को खतरा है क्या? हर वक्त एक सिपाही की जिंदगी ही क्या, होश के बूंद जैसी। ना जाने कब दुश्मन की तलवार जिंदगी को काट दे। पर सच तो ये है कि दुश्मन से बड़ा दुश्मन घर में ही मौजूद है। कौन? फरीद। मुझे तो अपना और अपने बेटों का हक अभी चाहिए। ये कौन ना हक चिल्ला रहा था? मेरी अम्माओं, अभी बाहर मुझे एक बुजुर्ग फकीर बता रहा था कि सबसे अच्छा बीच का रास्ता होता है, इसीलिए हम पैगंबरों को सूली पर चढ़ा देते हैं और कातिलों को फांसी दे देते हैं। आगे तुम्हारा भाई निजाम कहाँ है? अम्मा, जैसे शिकार खेला जाता है ना, वो उसी तरह पतंगों के पीछे भागता है। और तुम? मैं तो एक बुजुर्ग फकीर की अजीबोगरीब बातें सुन रहा था, बहुत पहुंची हुई बातें कर रहा था। तुम्हें सब समझ में आ गया? कहाँ अम्मा, ऐसा लगता था किसी और दुनिया की बातें हैं, लेकिन सुनने में अच्छा बहुत लग रहा था। कुछ समझ में भी नहीं आया और अच्छा भी लग गया। हाँ माँ, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता, मगर समझ खूब आता है, और ऐसी बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं। जैसे? जैसे जब तुम प्यार से मेरे सर पे हाथ रखती हो तो मैं आसमानों में हजारों दुआओं की गूंज सुनता हूँ, और मेरा यकीन पक्का हो जाता है कल सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी। आमीन, सुनो आमीन मेरे लाल। अरे, आप इतनी सी बात नहीं कर सकते? और बातें बड़ी बड़ी कराना हो तो आपसे करा लो। आखिर मेरा बड़ा बेटा सुलेमान आपकी जागीर का वारिस क्यों नहीं बन सकता? क्या वो आपका बेटा नहीं है? ओए, मैंने कब कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा बेटा नहीं है। अरे, आप कैसे पठान हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि उस बड़ी बेगम से आपका कोई रिश्ता नहीं, और दूसरी तरफ उस फरीद को अपना बेटा भी मानते चले जा रहे हैं। ओए खुदा की कसम, अगर तूने मेरी पठानियत को ललकारा तो मैं तेरा कौन पी जाऊंगा। दोबारा अगर तेरी जबान पर ऐसी बात आई तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। बड़ी बेगम से मेरा कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन फरीद मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। अरे खुदा की बंदी, जैसी तेरी शक्ल है, अगर ऐसी अकल होती तो आज सारी दुनिया पर तेरी हुकूमत होती। हटिए, मैं आज तक आपका दिल तो जीत ना सकी, दुनिया पर हुकूमत होती। अरे जानम, दिल कैसे जीतती? वो तो मेरे पास है ही नहीं, कब का तुम्हारे हाथों हार चुका। देखिए, अगर आप मेरे बेटे सुलेमान को वारिस नहीं बना सकते तो हम लोगों का हक अपने हाथों अपनी जिंदगी में दे तो सकते हैं। इस तरह सोचा जा सकता है। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि हम सिर्फ कातिलों को सजा दें और पैगंबरों को सूली पर ना चढ़ाएं? क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। कैसे? इंसाफ से। और इंसाफ कैसे? हिम्मत से। और हिम्मत कैसे आएगी? यकीन से। और यकीन? इल्म से। इल्म अच्छे बुरे की तमीज पैदा करता है, यकीन पैदा करता है। इसीलिए हमारे रसूल ने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर काले कोसों भी जाना पड़े तो जरूर जाओ। अम्मा, मैं इल्म जरूर हासिल करूंगा, यकीन के लिए, ईमान की ताकत के लिए, सही कातिलों को फांसी पर चढ़ाने के लिए और पैगंबरों को सर आंखों पर बिठाने के लिए। हाँ, मगर कहाँ और कैसे? यहाँ तो सभी नफरत और जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं। अपने यहाँ पर पढ़ने के लिए मदरसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ किसी को इल्म का शौक नहीं है। फिर काहे का शौक है? जागीरदारी का। अम्मा, तो क्या इल्म हासिल करने के बाद और बड़ी जागीर नहीं हासिल की जा सकती? क्यों नहीं, जागीर क्या, एक बड़े मुल्क पे हुकूमत की जा सकती है, दिलों पे हुकूमत की जा सकती है। जो कुछ भी है सब मेरी मेहनत का है, ना तो कभी किसी ने हाथ उठाकर मुझे कुछ दिया और ना ही मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया। मेरा बाप इब्राहिम खान एक मामूली सा सौदागर था, घोड़ों का कारोबार था उसका। सबको मालूम, जब उसने घोड़ों का कारोबार छोड़ा तो वो रायमल का मामूली सा नौकर था। लेकिन आज मेरे पास फासपुर, सासराय और हाजीपुर टाना के परगने हैं और ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया। अपनी मेहनत और अल्लाह की मर्जी से? ओए, अल्लाह तो कार साज है ही, बगैर उसके हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन इतनी जुरत किसकी हुई जो हमारे दौरान कलाम बोले? अब अगर किसी ने टांग अड़ाई तो जमीन कोत कर उसे जिंदा गाड़ दूंगा। तुम चुप रहो, कुछ न बोलना, तुम्हारे अब्बू का गुस्सा बहुत खराब है। तुम डरो नहीं अम्मा, ये अभी कह चुके हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इनके गुस्से की क्या औकात? तुम अगर चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये कुसर फुसर बंद हो जानी चाहिए। हाँ, तो मुझे कहना ये है कि मेरी छोटी बेगम चाहती हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी जमीन जायदाद जागीर, वो सब अपनी जिंदगी में ही अपनी औलादों और बेगमों को बांट दूं। बंटवारे से घर जमीन और मुल्क कमजोर हो जाते हैं। हाँ, उस जमीन में जो कुछ भी पैदा होता है उसे बांटने से ताकत बढ़ती है। फरीद के अब्बा, लो और सुनो, ये खाली फरीद के बाप कब से हो गए? ये सुलेमान के भी बाप हैं। जी हाँ, ये सुलेमान के भी बाप हैं। ये निजाम अहमद अली यूसुफ सखी खां और खुर्रम के भी बाप हैं। लेकिन सब लोग इन्हें फरीद के बाप के नाम से जानते हैं। जैसे आप अहमद की भी माँ हैं, लेकिन आपको लोग सुलेमान की माँ के नाम से पुकारते हैं। ये सब जानते हैं कि ये फरीद के बाप हैं और मैं फरीद की माँ। अब इनसे तुम्हारा ताल्लुक क्या है जो इतना बढ़ चढ़कर बात कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? मेरे रिश्ता होने ना होने से बाप बेटे का रिश्ता कयामत तक नहीं छीना जा सकता। यह खून का रिश्ता है। इसीलिए तुम बंटवारा नहीं चाहती? मैं कौन होती हूँ बंटवारा चाहने ना चाहने वाली? जिसकी जागीर है वही जाने। मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। बंटवारे से घर खानदान जमीन और मुल्क कमजोर हो जाते हैं। तेरी ये मजाल कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और तू मेरी इजाजत के बगैर चली जा रही है? ना ही मुझे बंटवारा पसंद है
और ना ही जिस जागीर का बंटवारा होने जा रहा है वो मेरी है, और ना ही मुझे ऐसी औरतों से अपनी बेइज्जती कराने का शौक है जो आज भी इतनी इज्जतदार नहीं हुई हैं कि मेरे बराबर एक ही फर्श पर बैठ सके। ओए दफा हो जा यहां से वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। ऐसी औरतों की तो जबान काट देनी चाहिए। अल्लाह की पनाह, इतनी लंबी जुबान। खामोश वही जबान दराज। इतना बुरा थोड़े ही मानते हैं बेटा, ऐसे बुरा मानोगे तो जियोगे कैसे? ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ जीने के रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हाँ माँ, यहाँ जीने के रास्ते भी बनाने पड़ते हैं और मरने के भी। अच्छा बस करो, मैं जरा असर की नमाज पढ़ लूँ, वुजू करके आती हूँ। हाँ देखो तुम कहीं जाना मत। मालूम है जागीर पाते ही मेरे मरने से पहले जिंदा ही कब्र में फेंक दोगे तुम लोग मुझको। चल गया उस मुर्दार का जादू। वही तोते की तरह कहने लगे जो तहमीना सुल्तान ने सिखा दिया। मेरी बात कहीं लिख ले, यही फरीद जिसके बाप होने का आपको बड़ा फख्र है, यही आपको मारेगा और आपकी जागीर पर हुकूमत करेगा। भाई उसकी ये मजाल कि मेरे जीते जी मेरी जागीर। मैं यहां ये कहने आया हूं कि अब मैं इस घुटन में और नहीं रह सकता, और अगर अब मेरी मां की और बेइज्जती की गई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और ऐ मेरे बाप की चौथी बीवी, अगर तूने एक लफ्ज़ भी मेरी मां की शान के खिलाफ निकाला तो मैं इससे तेरी जान काट दूंगा। क्या बकवास है, ये भी तेरी मां है? लाहौल विलाकवत ठीक से आपकी बीवी भी ना हो सकी तो मेरी माँ क्या होगी? खबरदार। हाँ अब्बा हुजूर खबरदार, अपनी जायदाद को मजबूती से पकड़िए, जायदाद जाते ही ये सारी मक्खियां उड़ जाएंगी। ओए बदकलाम। नहीं अब्बा हुजूर नहीं, आगे मत पढ़िए, नहीं तो मेरी दुलारी माँ की जान खतरे में होगी, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ऐसे मौकों पर इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अच्छा अब मैं जाऊंगा, इल्म की दौलत कमाने के लिए इस जाहिल घर को छोड़ूंगा, कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा कुछ बनूंगा। मैं अपनी जायदाद में से तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। इल्म की दौलत बगैर आपके दौलत के भी हासिल की जा सकती है, सिर्फ लगन जुस्तजू और माँ की दुआओं की जरूरत है। खुदा हाफिज।
के रुख को समझना है मशगला मेरा, किसी के पास कहां ऐसा हौसला।